बीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नक्सल प्रभावित जिले में पुख्ता इंतजाम, जिला प्रशासन ने कसी कमर। गोंदिया राज्य की अंतिम सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित इस जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान जिला प्रशासन भारी एहतियात बरत रहा है। इस जिले में संभवत पहले की तुलना में सुरक्षा की दृष्टि से अधिक स्टाफ लगाया जा रहा है। इसमें 5,636 अधिकारी व कर्मचारी, पोलिंग स्टाफ की फोर्स तैनात होगी। जिलाधीश के समक्ष चुनौती सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि जिलाधीश डॉक्टर कादंबरी बलकौड़े के कार्यालय में नक्सल गतिविधियों से प्रभावित जिले में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। छोटी बड़ी सारी गतिविधियों पर स्वयं ध्यान केंद्रित किए हुए हैं व तमाम विभागों में परस्पर समन्वय पर पूरा जोर दे रही है। कुल 1282 मतदान केंद्र। जानकारी के अनुसार अर्जुनी मोरगा विधानसभा के अंतर्गत 316 मतदान केंद्रों के लिए 1390, तिरोड़ा विधानसभा के अंतर्गत 215 मतदान केंद्र के लिए 1298, गोंदिया विधानसभा के अंतर्गत 360+1 मतदान केंद्र के लिए 1584 व आमगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए अंतर्गत 310 मतदान केंद्र के लिए 1364 अधिकारी व कर्मचारियों का पोलिंग स्टाफ होगा। इस प्रकार जिले के 1282 मतदान केंद्र के लिए कुल 5,636 अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। दिव्यांगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। पूर्णता व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। गोंदिया में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा। चारों विधानसभा क्षेत्र में मतदाता की संख्या कुल 1,96,441 है। चुनावी सामग्री की जांच पूरी व पोलिंग स्टाफ के भरोसे सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होगी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। धन्यवाद।